हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी जो आपकी कंप्लीट बॉडी पे काम करेगी. नो प्रॉब्लम अगर आप जिम नहीं जाते, नो प्रॉब्लम अगर आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं. यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एट योर होम. आप अपने कंफर्ट जोन में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा मोटापा, जो आज के टाइम पे बेहद गंभीर समस्या है, हर एक बीमारी का जड़ कहीं ना कहीं मोटापे से, ओबेसिटी से शुरू होती है. तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको मदद करेंगी मोटापा कम करने के लिए. सो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है. और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट इस वीडियो में बताई गई अच्छी अच्छी जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और आप नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए. सो गाइज, गेट रेडी फॉर कम्प्लीट बॉडी एक्सरसाइजेस. सो आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर में कम्फर्ट जोन में, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उस जॉगिंग का स्पीड हम बढ़ाएंगे. हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड स्टार्ट योर डे विद नॉर्मल जॉगिंग. जिस जगह पे भी हैं धीरे 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 वॉक करेंगे एंड हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस. कीप जॉगिंग. वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ जॉगिंग. हमारी बॉडी तैयार हो रही है बाकी की एक्सरसाइजेस करने के लिए. सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाए. सो दिस जॉगिंग विल हेल्प गेट रेडी फॉर फॉरवर्ड जॉगिंग. दोनों हाथ के पंजों को सामने की तरफ रख के अपने रिब केज की जो लास्ट पसली है वहाँ तक रखें और धीरे धीरे फॉरवर्ड जॉगिंग करना शुरू करें. 1, 2, 1, 1, 2 एंड स्लोली रिलैक्स बट कीप जॉगिंग. चलते रहना है आपको, जॉग करते रहना है. अब थोड़ा सा सामने की तरफ झुक जाएं और अपने दोनों हाथ के पंजों को अपने कूल्हों के ऊपर, हिप्स के ऊपर रखें और बैकवर्ड जॉगिंग करना शुरू करें. पीछे से दिखलाती हूँ. 1, 2, 1, 2 अपने पैर से अपने हाथ के पंजों को टैप करना है. कीप जॉगिंग. आप जॉग करते रहिए. हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जॉगिंग. अब साइड जॉगिंग के लिए दोनों हाथों को अपने हिप्स के लेवल तक रखें और धीरे 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 दोनों पंजों से दोनों हाथ की हथेलियों पर टैप करें. 1, 2, 1, 2 एंड कीप जॉगिंग. यू आर डूइंग गुड. वी आर वर्किंग ऑन आवर कंप्लीट बॉडी. कीप जॉगिंग. जंपिंग जैक. 1, 2, 1, 2 सामने से, साइड से. 1, 2, 1, 2, 1, 2 अभी पीछे से. 1, 2, 1, 2, 1, 2 चारों डायरेक्शन में इसको करेंगे और फील द एनर्जी इन योर बॉडी. कीप जॉगिंग. ये सारे अभ्यास आप कम से कम 15 से 20 बार करेंगे. मैं तो कुछ 5 या 3 राउंड करके आपको सारे के सारे अभ्यास करके बताऊंगी. कीप जॉगिंग. अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएं और दोनों हाथ के पंजों को सामने की तरफ झुकते हुए अपनी थाइस पे रखें और नाक से सांस लेके मुंह से सामने की तरफ सांस छोड़ें. मुख धौती. रिलैक्स. स्टार्ट वॉकिंग. एंड अभी हम करेंगे बर्पी. इसके लिए सबसे पहले हमें जंप करना होगा, फिर ज़मीन में इस तरीके से पुशअप पोजीशन. जंप, पुशअप एंड डाउन. जंप, पुशअप एंड डाउन. जंप, पुशअप एंड डाउन. बर्पी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू वर्क ऑन योर कंप्लीट बॉडी. ये इतना आसान नहीं है, इट इज़ सो चैलेंजिंग. कोशिश करें आप 5 से 7 टारगेट करने का कि आप बर्पी कर पाएँ. इधर पे मैंने 10 राउंड बर्पी करके बताए हैं एंड इट रियली वर्क. अगेन, रेस्ट फॉर सम टाइम. मुख धौती. नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें. 2-3 राउंड हम मुख धौती के करेंगे सो दैट हमारी बॉडी
रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, आई एम श्योर कि आप सभी ने बचपन में इस एक्सरसाइज को ज़रूर किया होगा और आप में से कुछ लोगों ने स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रस्सी कूदने की या स्किपिंग की। स्किपिंग आपके पूरे शरीर में काम करती है। अगर आप 50 से 100 राउंड भी स्किपिंग हर रोज़ करते हैं तो आपको किसी दूसरी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। सो कि स्किपिंग यहाँ पे मैं कुछ 50 राउंड स्किपिंग करके बता रही हूँ। आप हर रोज़ स्किपिंग अगर करते हैं, रस्सी कूदते हैं, तो इससे आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा और ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। और अगर रस्सी कूदते कूदते जूते के लेस खुल जाएं तो उसे सबसे पहले बांधें और उसके बाद में रस्सी कूदना शुरू करें। वंस यू कम्प्लीट योर स्किपिंग, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, मुख धौती करें, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें, कुछ 2 से 3 राउंड मुख धौती करें और रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ गेट रेडी एंड स्टार्ट जॉगिंग। जॉग एंड वी आर getting ready for next exercise, that is side kick. 1 2 1 2 1 2 other side as well. 1 2 1 2 इससे आपके साइड के जो फैट्स होते हैं वो बहुत जल्दी कम होते हैं। सो कीप डूइंग and front kick with same hand, same leg. अगर right hand सामने की तरफ है तो right leg से right hand के पंजों को tap करेंगे 20 से 25 मरतबा। इसे करें, फिर repeat it with other leg and other hand also. Left hand, left leg से tap करेंगे और अगर आपको गिरने का आशंका लग रहा है तो कोई सहारा ले लें ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। अब अल्टरनेट लेग, राइट हैंड लेफ्ट लेग, 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10, रिलैक्स। ये चीज़ दूसरी तरफ से भी अल्टरनेट लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग, कीप डूइंग इट। अगर लगे कि बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप कोई सहारा ले लें, बट कीप डूइंग इट। नाउ रिलैक्स, मुख धौती, सामने की तरफ झुक जाएं, नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें, रिलैक्स। Now come on to your mat. We'll be doing some push-up. अगर आपको full push-up challenging लग रहा है तो मेरी तरह अपने घुटने को आप mat पे रखें और push-up start कर सकते हैं। चूँकि most of ladies को थोड़ा push-up करना, full push-up करना आसान नहीं होता चूँकि उनके heavy breast होते हैं, तो आप इस तरीके से half push-up कर सकते हैं और रिलैक्स करने के लिए शशांक आसना। नाउ गेट रेडी फॉर डॉल्फिन एक्सरसाइज। डॉल्फिन एक्सरसाइज इज रियली रियली गुड एक्सरसाइज। आपके ये बाजुओं को मजबूत करती है, आपके कंधों को मजबूत करती है, चेस्ट को मजबूत करती है, आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है, आपकी हिप्स, थाइस, एंकल जॉइंट्स, ये सारे पार्ट्स को मजबूत करती है। रिलैक्स फॉर सम टाइम, रिलैक्स इन शशांक आसन, डीप नॉर्मली रिलैक्स एंड गेट अप।
अब धीरे से अपनी मैट पे लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला, कुछ लंबी गहरी सांस लें और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब हम करेंगे क्रंचेस की तैयारी। दोनों पैरों को घुटने तक मोड़ लें, फ्रंट बैक, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने। हम अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, हम अपनी बेली पे काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रंचेस। कम से कम 20 राउंड के तीन सेट क्रंचेस के आपने लगाने हैं, सो दैट आपकी बेली टोन हो जाए और एक्टिवेट हो जाए। कुछ होल्ड करके थोड़ी देर रिलैक्स, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला, कुछ गहरी लंबी सांसें लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे सिटअप्स। सिटअप्स आर रियली रियली गुड एक्सरसाइज टू टोन योर एब्स, टू हैव दैट स्ट्रेंथ ऑन योर कोर। और सिटअप करना इतना आसान नहीं है, इसमें आपके पैर उठने नहीं चाहिए, वो ज़मीन पे ही लगे रहना चाहिए। तो कभी कभी हमारा बैलेंस नहीं बन पाता, वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। तो एक सुझाव कि किसी को आप बोलिए कि अपने पैर के पंजों के ऊपर इस तरीके से खड़े हो जाएं, सो दैट कि सारा का सारा बल जब आप उठें तो वो आपके पेट से लगे। कैसे? इस तरीके से। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखला रही हूँ कि मैंने कम से कम 20 राउंड सिटअप्स के किए। इस तरीके से आपको कम से कम 3 राउंड यानी 3 सेट, हर एक सेट में 20 राउंड के सिटअप्स करने हैं। अब जो लोग शुरू में ये अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए 5 राउंड भी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपने आप को पेट के बल से उठाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो देखिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर आपसे 2 राउंड लगे, 3 राउंड लगे, 5 राउंड लगे, कितने भी राउंड लगे, लेकिन आपने ये अभ्यास को शुरू ज़रूर करना है। सो दिस वॉज सिटअप। अभी गेट रेडी फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट प्लैंक होल्ड। आपकी अगर टी शर्ट आपने टक नहीं की है तो टी शर्ट टक कर लें, सो दैट कि आपको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। अब प्लैंक होल्ड के लिए सामने की तरफ अपने जो एल्बोज हैं उसको मैट पे अच्छी तरीके से रखें और अपने पैर के पंजों के सहारे अपनी बॉडी को हैंग करें प्लैंक में, और अपनी एब्स को, अपनी कोर को इंगेज करें, इंगेज करके रखें, और जितनी भी देर अपने आप को होल्ड कर सकें होल्ड करें। सारा का सारा बल आपके पेट पे लगेगा, ये पेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। नाउ रिलैक्स फॉर सम टाइम इन शशांक आसना। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। रिलैक्स रिलैक्स दोस्तों, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना ना भूलें। ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद लाई डाउन ऑन योर बैक और आराम से दोनों हाथों के बीच में फासला, दोनों पैर के बीच में फासला, कुछ गहरी लंबी सांस लें। दोस्तों, इस तरीके की एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आप रेस्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरीके से लेट जाएं और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दें। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू काम डाउन योर माइंड, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू काम डाउन योर बॉडी। रिलैक्स और उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल दिनचर्या में आके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई एम डन फॉर द डे एंड इट्स टाइम टू मूव। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉयड द एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज घर पे करके बताना या जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो करके बताना कि कैसा लगा, और अपने अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय।